नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल KDP न्यूज के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो में पूछ गए सवालों का जवाब जरूर देखें। वीडियो में पूछ गए सवालों का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 10,000 रुपये तक, है ना। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण की 54 सीटों को आज हम आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर आए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को देखकर हर पार्टी की नींद उड़ चुकी है। वहीं अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव के 5 बड़े दिग्गज नेता ने अखिलेश यादव को इस्तीफा दे दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी पार्टी जीती थी और 2025 में भी बीजेपी पार्टी जीतती नजर आ रही है ओपिनियन पोल के जरिए। वहीं दोस्तों, भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर रावण ने भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा है कि सातवें चरण के बाद पता चलेगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। वहीं दोस्तों, आज हम आपके सामने ओपिनियन पोल लेके आया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर यूपी में कौन सी पार्टी जीतेगी। वहीं दोस्तों, अयोध्या की 5 सीटों पर बात करें तो अयोध्या की 5 से 5 सीटें बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई और बाकी सबको 0-0 सीटें प्राप्त हुई है सातवें चरण समाप्त के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट आपको बता दें कि हमारी गोंडा है। गोंडा में कुल 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी पार्टी को, 1 SP को और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई सातवें चरण समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हम प्रयागराज की बात करें। प्रयागराज की 12 सीटों पर बात करें तो प्रयागराज में कुल 12 सीटें, 12 में से 11 बीजेपी को और 1 SP पार्टी को प्राप्त हुई है और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, हम प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर बात करें तो यहाँ पे 7 में से 5 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई और 2 SP को और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है सातवें चरण समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी अमेठी। अमेठी की 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 3 बीजेपी को, 1 SP को और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है सातवें चरण समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी चित्रकूट। चित्रकूट की 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 3 सीटें बीजेपी को और 2 SP पार्टी को प्राप्त हुई है, बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई सातवें चरण समाप्ति के बाद। वहीं कौशाम्बी की 3 सीट पर बात करें, 3 में से 2 बीजेपी को और 1 SP पार्टी को प्राप्त हुई है सातवें चरण समाप्ति के बाद। बाराबंकी की 6 सीटों पर बात करें तो 6 में से 4 बीजेपी को और 2 SP पार्टी को प्राप्त हुई है छठे और सातवें चरण समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कुल 5 सीटों की बात करें, 5 में से 2 बीजेपी को और 3 SP पार्टी को प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, बहराइच की कुल 7 सीटों पर बात करें, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 SP को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी वाराणसी है। वाराणसी की कुल 7 सीटों पर बात करें तो 7 में से 8 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त होती नजर आ रही। सीतापुर की कुल 9 सीट पर बात करें, 9 की 9 में से 8 सीटें बीजेपी को और 1 SP पार्टी को प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी एटा है। एटा की कुल 4 सीट पर बात करें, 4 में से 2 बीजेपी को और 2 SP पार्टी को प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट आपको बता देगी गोरखपुर है। गोरखपुर की 9 सीट पर बात करें, 9 में से 9 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, ओपिनियन पोल के जरिए हमें बीजेपी पार्टी जीती नजर आ रही है और आपके क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आजमगढ़ में कुल 10 सीट 10 में से 1 बीजेपी को और 9 SP पार्टी को प्राप्त हुई, ये एक मुस्लिम इलाका। वहीं दोस्तों, लखनऊ के 9 सीट बाद 9 में से 6 बीजेपी को, 2 SP पार्टी को प्राप्त हुई और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी आपको बता दें कि औरैया। औरैया में कुल 3 सीट, 3 में से 3 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई सातवें चरण समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, आपको बता, जालौन में कुल 3 सीट, 3 में से 3 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई और बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई सातवें चरण समाप्ति के बाद। बागपत में कुल 3 सीटें, 3 में से 3 1 SP को, 1 BSP को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, कानपुर नगर की 10 सीटों पर बात करें, 10 में से 8 सीटें बीजेपी पार्टी को, 1 SP को और 1 BSP पार्टी को प्राप्त हुई सातवें चरण की समाप्ति के बाद। वहीं दोस्तों, अगली सीट हमारी बलिया। बलिया में कुल 7 में से 4 बीजेपी को, 2 SP को और 1 BSP पार्टी को प्राप्त हुई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट प्राप्त हुई। वहीं दोस्तों, अगली सीट आपको बता दें कि हमारी कुशीनगर है। कुशीनगर में कुल 7 सीट, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 SP को, 1 BSP पार्टी को प्राप्त हुई। जय हिंद, वंदे मातरम।